आलू का नान, इसमें आलू की फिलिंग है जिसके अंदर थोड़े मसाले डाले हुए हैं, हरी मिर्च डाली हुई है और ये कर रहे हैं इसकी स्टफिंग। ये आलू का मसाला जितने ऑर्डर आते हैं ये साथ के साथ बनाते हैं, पहले आलू का मसाला नहीं बना के रखते, जितना ऑर्डर आएगा उसी के साथ ये आलू का मसाला बनेगा और उस साथ के साथ ही लगेगा। ये हो गया पेड़ा हमारे आलू नान का रेडी, ये ज्वाइन और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेशली चॉप कोरिएंडर, इसको हम धनिया भी बोलते हैं भाई, देख सकते हैं आप मस्त इसको पतला किया जा रहा है। तो भाई ये लगने जा रहा है हमारा आलू का नान, ये रह गया आलू का नान। ये कोयले के तंदूर में हो रहा है हमारा आलू का नान रेडी, एकदम करारा कलर देख सकते हैं आप कैसे, एकदम फ्रेश कोरिएंडर लगा हुआ है इसके ऊपर। जो ये आलू का नान है या तो उसको आप दही कर सकते हैं, लेकिन तो सागर वैष्णो ढाबे पे मिलती है दाल मखनी, 120 रुपये की प्लेट है फुल, उसके साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ बैठ के एसी रेस्टोरेंट है जो इनका, उसमें आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा आलू का नान, ये देखो भाई, मतलब बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाता घी के साथ इसमें लगाने में, ना ही फिलिंग में कुछ समझौता, एकदम क्रिस्पी करारा बढ़िया एकदम लाजवाब। ये देखो भाई, ये दिखा रहे हैं भैया हमको आलू का नान।